हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बेरोका के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बने रहे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले कैरिबियन प्रीमियर लीग, जो कि अब अपने हाफ स्टेज को पार कर गया। टूर्नामेंट के 15 मैच कंप्लीट भी हो गए। तब बात करते हैं टूर्नामेंट के 16वें मैच में, जिसमें टेबल टॉपर्स गोना अमेजन वॉरियर और बार्बाडोस रॉयल का मैच होगा। दोनों टीमें टॉप पे है और अब तक एक भी मैच भी नहीं आ रही है। यह मैच आपको 15 सितंबर को बीच टाउन के किंगस्टन ओवल ग्राउंड में खेला जाएगा। अगर यह भारतीय समय अनुसार यह मैच मॉर्निंग के 4:30 पर स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमें स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर लिंक दिया हुआ। आगे बात करते हैं, चलते हैं इनका वेदर रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे मैच के दिन में मौसम लगभग क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 77% रहेगा और टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके पिच एनालिसिस करते हैं, जहां पे किंगस्टन ओवल के पिच बैटिंग के लिए अच्छी है, आउटफील्ड भी फास्ट हो गया, स्पिनर को यहाँ पे ज़्यादा हेल्प है, टर्न नहीं देखने को मिलता है, फास्ट बॉलर जगह पर अच्छा परफॉर्मेंस किया है, फिर से रिवर्स स्विंग भी काफ़ी देखने को मिलता है, जिसके चलते डेथ ओवर में रन बनाना मुश्किल होगा। अब अगर बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जो कि बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 56% जीतने का चांस है, तो ही बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 41% जीतने का चांस है। अगर बात करते हैं इनके स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 154 है, तो वहीं पर सेकेंड इनिंग एवरेज स्कोर 127 है। तो दोस्तों, अगर बात कर लेते हैं दो टीमों का हेड टू हेड भी देख लेते हैं, यहाँ पे गोना अमेजन वॉरियर 6 मैच जीत के आ रही है, तो वहीं पर बार्बाडोस रॉयल 4 मैच जीत के आ रही है। तो दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, यानी पहली टीम बार्बाडोस रॉयल का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे। टीम ने लगातार 3 जीत के साथ टूर्नामेंट का जबरदस्त स्टार्ट किया और पॉइंट टेबल नंबर 2 पे है। वहीं रॉबिन पॉल जो टीम के कप्तानी कर रहे हैं, ओपनिंग बैटिंग में आपको क्विंटन डीकॉक, रकिन कॉर्नवेल खेल रहे हैं, कॉर्नवेल जो कि अब तक फ्लॉप देख रहे हैं। वहीं डीकॉक ने अब तक सबसे ज़्यादा 154 रन बनाए। नंबर 3 पर जो कि अली कैथानजे को चांस मिला था। मिडिल ऑर्डर में आपको डेविड मिलर एंड रिवाल्डो क्लार्क खेल रहे हैं, जहाँ पर लोअर ऑर्डर में पावर हिटर रॉबिन पॉल एंड जेसन होल्डर टीम के एक्सपेक्टर है। टीम की बॉलिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नजर आ रही है, टीम 5 रेगुलर बॉलर के साथ खेल रही है। टीम के पास कई पेसर स्पिन बॉलर है, स्पिन बॉलिंग में केशव महाराज को टीम की जगह मिली थी, वहीं पे आपको बॉलिंग में ओवेट मैककॉय या नवीन हुलक जो कि स्पेल की शुरुआत करेंगे। मैककॉय ने अब तक सबसे ज़्यादा 5 विकेट लिए हैं, जहाँ पर महेश थीसना जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब बात करते हैं बार्बाडोस का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जहाँ पे क्विंटन डीकॉक है, रकिन कॉर्नवेल है, अली कैथानजे, डेविड मिलर है, रॉयन पॉवेल है, रिवाल्डो क्लार्क है, जेसन होल्डर है, केशव महाराज है, महेश थीसना, ओवेट मैककॉय, नवीन हुलक है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि रॉयन पॉवेल है, क्विंटन डीकॉक है, ओवेट मैककॉय है। अब बात करते हैं दूसरी टीम, यानी गोना अमेजन वॉरियर का शॉर्ट एनालिसिस करेंगे, जहाँ पे गोना टीम टेबल टॉप पे स्टेबल। टीम ने लगातार 3 जीत के साथ टूर्नामेंट का स्टार्ट किया, अब तक टीम एक भी मैच नहीं आ रही है। इमरान ताहिर टीम की कप्तानी कर रहे हैं, टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी नज़र आ रही है। ओपनिंग में बात करेंगे, जहाँ पर आपको बैटिंग में रमनुल्ला गुरवार, टीम रोबिनसन एंड गुरवार ने अब तक सबसे ज़्यादा 136 रन भी बनाए। नंबर 3 पर जो कि साइयों पुत्र हैं, आजम खान जो कि अब तक फ्लॉप दिखे, यहाँ पे सिमरन हेटमायर टीम की बैटिंग को स्ट्रेंथ देते हैं। वहीं पर लो ऑर्डर में हिटिंग में आपको कीमो पॉल, ड्वाइन पिटोरियस जैसे ऑलराउंडर टीम के एक्सपेक्टर है। बॉलिंग में जहाँ पर समर जोसफ एंड कीमो पॉल स्पेल की शुरुआत करेंगे, समर विकेट नहीं निकाल पाए, जहाँ पर ड्वाइन पिटोरियस पावर प्ले में बॉलिंग करेंगे। वहीं स्पिन बॉलिंग में जहाँ पर गुदाकेस मोटी ने सबसे ज़्यादा 9 विकेट लिए, यानी इमरान ताहिर ने 6 विकेट लिए। अब बात करते हैं गोना अमेजन वॉरियर का प्लेइंग 11 देख लेते हैं, जो टीम रॉबिन्सन है, रमनुल्ला गुरवाज है, साइयों पे सिमरन हेटमायर, आजम खान है, ड्वाइन पिटोरियस है, कीमो पॉल है, इमरान ताहिर है, समर जोसफ है, जूनियर सिंक्लेयर, गुदाकेस मोटी। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए, जो कि साइयों पे सिमरन हेटमायर, इमरान ताहिर है। तो फाइनली दोस्तों, हमने हर एक चीज पर डिस्कशन कर ली, तो आप बढ़ते हैं चलते हैं प्रेडिक्शन एंड कंक्लूजन करते हैं। दोनों टीमें स्ट्रॉन्ग है और टॉप 2 में है, जहाँ पे बार्बाडोस लगातार 3 मैच जीत कर आई है, वहीं पर गोना भी टूर्नामेंट के सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है। टीम के स्क्वाड ऑफ फॉर्म को देखते हुए हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे मैच में बार्बाडोस रॉयल होगा। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में बताएं कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट।